हेलो फ्रेंड, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए, जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो था गुडविल वैल्यूएशन का। ये चैप्टर क्लास 5th है। पिछली क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि पहला मेथड है गुडविल कैलकुलेशन का, उसको किया था, उसके क्वेश्चन ट्राई किए थे। आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन ट्राई करेंगे और इसको समझेंगे। आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे निकालते हैं वो हम पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और क्यों एवरेज प्रॉफिट लेते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। आज हम एवरेज प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट निकालने के बारे में समझेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि मैं पिछली क्लासेस में भी यूज़ कर रहा था, उसी को मैं कंटिन्यू करता एग्जांपल को, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। राम एक बिजनेसमैन है, वो एक टेक्सटाइल का बिजनेस करता है, यानी कपड़ों का व्यापार करता है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया नहीं था कि वो किस चीज़ का बिजनेस करता है, तो इस केस में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में इसका जानना जरूरी है कि वो किस चीज़ का बिजनेस करता है, तभी आप समझ पाओगे। राम टेक्सटाइल का बिजनेस करता है, उसकी 5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपये पर एनम वो प्रॉफिट कमाता है। शाम उसका फ्रेंड है, उसने सोचा मैं भी ये बिज़नेस करता हूँ, मैं भी 5 लाख रुपये लगाऊंगा, मेरे पास भी 5 लाख रुपये हैं, या मैं लोन ले लूँगा और मैं भी 2-2 लाख रुपये कमाऊँगा। शाम ने लेकिन मार्केट सर्वे किया, जो कि नॉर्मल कोई भी बंदा करेगा बिज़नेस शुरू करने से पहले। तो उसने मार्केट सर्वे किया तो उसको पता चला कि भाई अगर मैं ये खुद बिज़नेस शुरू करूँगा तो मैं कुछ नहीं कमाऊँगा, पहले साल मेरे को 0 प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, दूसरे साल भी नो प्रॉफिट नो लॉस, तीसरे साल भी नो प्रॉफिट नो लॉस, और चौथे साल से मैं इसके बराबर पहुंच जाऊंगा और 2-2 लाख रुपये कमा लूँगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी बिज़नेस हम शुरू करेंगे तो हम 0 ही कमाएंगे, हो सकता है हम नुकसान में जाएं, हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत कमाएं, उतना ना कमाएं लेकिन थोड़ा बहुत तो कमाएं। लेकिन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि भाई ये वाला केस एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये वाला केस ही लगता है, जिसमें कि बंदे को यानी बायर को ये क्लियर हो कि वो कितने सालों तक कुछ नहीं कमाएगा और सेलर को भी ये बात पता हो, उसी केस में ये एवरेज प्रॉफिट मेथड या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगता है। चलो ठीक है, तो शाम को ये बिज़नेस ख़रीदना था, तो शाम बोलता है कि मुझे पता है मैं कुछ नहीं कमाऊंगा, इससे अच्छा मैं राम का बिज़नेस खरीद लेता हूँ, ये मेरा दोस्त है और मैं इसी बिज़नेस को चलाऊंगा और मैं 2 लाख रुपये कमाऊंगा। तो शाम राम के पास गया, शाम उससे बोलता है भाई तो अपना बिज़नेस बेचेगा, तो राम किसी न किसी वजह से ये बात से सहमत हो जाता है और बिज़नेस बेचने को तैयार हो जाता है। वो कोई भी कारण हो सकता है, हमें उस कारण में नहीं जाना, वो बेचने को तैयार हो जाता है। फिर शाम उससे पूछता है भाई कितने रुपये दूँ मैं तुझे बिज़नेस बेचने के लिए, तो राम कहता है कि भाई देखो 5 लाख तो मुझे देने ही पड़ेंगे, तुझे 5 लाख तो तुझे मुझे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इसमें 5 लाख के पैसे लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट है मेरी। तो शाम बोलता है हाँ यार वो तो मैं दूंगा, अगर मैं खुद भी बिज़नेस शुरू करता तो 5 लाख रुपये तो लगाता ही, तो मैं वो तेरे को दूंगा, प्लस और क्या चाहिए। तो गुडविल क्या होती है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो सेलर बायर से डिमांड कर रहा है, वो कितनी भी अमाउंट डिमांड कर सकता है और बायर अगर उसको बेच देने को तैयार, वही गुडविल है। गुडविल क्या होती है, सेलर बायर को कहता है कि भाई देख मेरी वजह से मेरी मेहनत का फल तू ले जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये बिज़नेस तेरे को बेच दूंगा तो मैं तो कुछ नहीं कमाऊंगा इस बिज़नेस से, मैंने तेरे को बेच दिया, और इन सालों में अगर खुद तू बिज़नेस करता तो कुछ नहीं कमाता, देखो 3 सालों में कुछ नहीं कमा रहा था तू, मेरी वजह से तू कमाएगा, और वो कितना कमाएगा वही गुडविल है। ये पहले ही अब हमें क्या पता हो कितना कमाएगा, हमें पता तो नहीं है, लेकिन जब बायर और सेलर आपस में बात करते हैं तो वो किसी ना किसी अमाउंट पे एग्री करते हैं, वही गुडविल है। अब वो एग्रीमेंट कैसे होगा, वो एग्री कैसे करता है, किस अमाउंट पे एग्री करेगा, वही सिस्टम ये पॉइंट्स निकल के आता है, वहीं से एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनता है, वहीं से एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है, वहीं से वेटेड एवरेज आता है, वहीं से कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड निकल गया। इन सारे के सारे मेथड वो आपस में जो एग्रीमेंट होते हैं, वो एग्री करते हैं किसी चीज़ के ऊपर गुडविल निकालने के लिए, वही वो पॉइंट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गुडविल निकालने के लिए पर्टिकुलरली 4 तरीके नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि 2 बंदे आपस में कोई भी सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो उनकी जो बातचीत होगी वो डिफरेंट होती है, हर बंदे की सोच अलग अलग होती है। तो यानी गुडविल निकालने के लिए भी अनगिनत मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमें 4 मेथड पढ़ने हैं तो हम वो पढ़ रहे थे। तो पहला मेथड हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था और आज हम उसके एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शाम कहता है भाई देख कितने पैसे तू एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो देख, तो वो एक्स्ट्रा पैसे जो मांगता है वही गुडविल है कि भाई मेरी मेहनत का फल जो तू आज ले जा रहा वही तू मुझे आज दे दे। तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि भाई ये 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये मान लेते हैं कि शाम एग्री हो जाता है कि 2 लाख रुपये मैं कमाऊँगा, यहाँ पे 2 लाख मैं कमाऊँगा, 2 लाख ही कमाऊँगा, तेरी वजह से कमाऊँगा, इसलिए मैं 6 लाख तेरे को दे देता हूँ। अगर शाम एग्री कर देता है तो गुडविल 6 लाख है, लेकिन वो एग्री क्यों कर रहा है भाई, अगर वो 2 लाख रुपए कमा भी रहा है तो वो बिज़नेस खरीद ही क्यों रहा है,
क्योंकि वो 2 लाख तो पहले दे रहा हो, तो 6 लाख रुपये पहले दे रहा है, कमाएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में कमाएगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख, वो दे तो अभी रहा है 6 के 6 लाख अभी, तो उसमें उसका क्या फ़ायदा, उसका तो नुकसान है वो उल्टा। तो भाई ये बात इसलिए है कि शाम बिजनेस खरीद रहा है और वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, तो उसके दिमाग में ये बात होगी कि भाई ये बिजनेस खरीद के मैं इससे कहीं ज़्यादा कमा सकता हूँ, मैं इससे कहीं ज़्यादा इससे वर्थ निकाल सकता हूँ, ये उसके दिमाग में होगा, या उसके दिमाग कोई और पॉइंट होगा, वो खरीद रहा है, हमें उस पॉइंट में नहीं जाना कि उसकी सोच क्या कह रहे हैं, वो क्यों खरीद रहा है एक्स्ट्रा पैसे दे के, वो हमें उस चीज़ में नहीं जाना, हमें पता करना है कि भाई वो एक्स्ट्रा पेमेंट करने को तैयार है और वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है वही गुडविल है, और वो एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके मेहनत का फल लेके चल रहा है, आपको ये वर्ड याद करना है, उसकी मेहनत का फल वो ले रहा है, इसलिए वो गुडविल दे रहा है, वो पैसे दे रहा है, वही गुडविल है, हमने उसको नाम दे दिया, मेहनत के फल को गुडविल का नाम दे दिया। जितने भी आगे चैप्टर होने वाले हैं उसमें अगर ये वर्ड याद करोगे कि भाई वो मेहनत का फल खुद खा रहा है जो कि उसकी मेहनत है, और वो फल ये खा रहा है तो वो पैसे दे रहा है, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो आप आगे के चैप्टर में भी अच्छी तरीके से गुडविल को समझ पाओगे, कर पाओगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम बोला कि भाई 5 लाख प्लस गुडविल जो मैं बोल रहा हूँ मान जाता है वो। अब वो गुडविल मैंने यहाँ पे गुडविल क्यों लिखा, एक अमाउंट क्यों नहीं लिखी, उसके केसेस है जिस वजह से मैं लिख रहा हूँ। वो केसेस क्या है, केस 1, केस 1 में क्या है कि श्याम कहता है कि भाई 5 लाख रुपये जो बायर वो कह रहा है 5 लाख तो मैं दूंगा, और 6 लाख श्याम बायर सेलर जो श्याम है बायर है वो सेलर की बात से एग्री कर जाता है। सेलर क्या कह रहा है कि भाई तू मेरी वजह से 2-2 लाख रुपए कमाएगा, देख तूने मार्केट में सर्वे किया है और मार्केट में सर्वे करके तुझे पता चला कि तू 0 अमाउंट कमाएगा, 0 कमाएगा, 0 कमाएगा, और मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ हर साल, तो तू 2-2 लाख रुपए कमाएगा तू भी, तो यानी कि 6 लाख रुपए कमाएगा, तो मेरे को 6 लाख दे दे। तो अगर शाम उसकी बात से एग्री कर जाता है और 6 लाख रुपए दे देता है, तो क्या 6 लाख क्या हो जाएगी, गुडविल। टोटल अमाउंट कितने देगा, 11 लाख, तो 6 लाख होगी गुडविल, जो अमाउंट वो दे रहा है वही गुडविल है। सेकेंड केस कौन सा है, वो सेकेंड केस था एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो हमने किया था, ये सिंपल तरीका था गुडविल निकालने का, भाई जितना पैसा एक्स्ट्रा उसने मांगा और मैंने मुंह मांगा अमाउंट दे दिया एक्स्ट्रा, वही गुडविल है। दूसरे केस में शाम का थोड़ा दिमाग चला, वो बोला भाई देख मैं ये तो मानता हूँ कि मैं 3 सालों तक कमाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं मानता नंबर ऑफ ईयर परचेज ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं 3 सालों तक तेरी वजह से कमाऊंगा ये बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मैं हर साल 2-2 लाख रुपए कमाऊंगा, इसका सबूत दे मुझे। तो श्याम कहता है कि मुझे इसका सबूत दे, तो राम कहता है भाई मैं इसका क्या सबूत दूँ, कहता है भाई ऐसे कर तू मुझे अपने 4 सालों की 5 सालों का PNL अकाउंट दिखा दे, 4 सालों के PNL अकाउंट दिखा, उनमें तूने 2-2 लाख रुपए कमाए होंगे तो मैं भी एग्री कर जाऊंगा। तो राम ने उनको PNL अकाउंट दिखाया, तो श्याम ने क्या देखा, PNL अकाउंट में बेचने से, बिजनेस बेचने से जिस दिन बिजनेस बेचा उससे पहले लास्ट यानी 31 मार्च को, नियरेस्ट 31 मार्च को उसने 2 लाख रुपये PNL में कमाए थे। हाँ उसने 2 लाख कमाए थे तभी उसने यहाँ पे 2 लाख लिखे थे, लेकिन उससे पिछले साल में उसने 1.5 लाख रुपये कमाए थे, उससे पिछले साल में उसने 80,000 रुपये कमाए थे, और उससे पिछले साल में उसने 1,20,000 कमाए थे। तो श्याम का कहता है उसको कि भाई देख तू मुझसे 2-2 लाख रुपए मांग रहा है हर साल के, ये कह के कि तू 2-2 लाख रुपए कमाएगा, खुद तो तूने हर साल 2-2 लाख रुपए नहीं कमाए, तूने तो ऊपर नीचे कमाए हैं, कभी 2 लाख कभी कम, तो मैं कैसे 2-2 लाख रुपए कमाऊंगा। तो भाई मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं से को तेरे को 3 सालों तक तेरी वजह से कमाऊंगा ये बात से मैं सहमत हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है लेकिन 2 लाख रुपये एवरेज 2 लाख रुपये प्रॉफिट पर ईयर है ये मैं नहीं मानता। तो राम बोलता है भाई तो फिर क्या क्या करें, तो श्याम बोलते ऐसे करते हैं भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हम एवरेज प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट को ना अमाउंट लेके हम 4 सालों के प्रॉफिट को एवरेज ले लेते हैं और 1 साल का प्रॉफिट मान लेते हैं, अगर आप एवरेज लेते हो तो 1 साल का निकल के आता है ना, तो 4 साल के प्रॉफिट का वो एवरेज ले लेते हैं और इंटू कर देते हैं नंबर ऑफ ये परचेज थे वही उसका गुडविल है, यानी इसमें श्याम का थोड़ा सा दिमाग चल गया वही उसकी गुडविल है। तो इस केस में सेकेंड केस में क्या हुआ, श्याम से उसकी बात से एग्री नहीं करता है और एवरेज प्रॉफिट के लिए जिद करता है और एवरेज प्रॉफिट राम मान जाता है एवरेज प्रॉफिट के लिए, वही हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड बन जाता है। तीसरा केस कौन सा होता है, तीसरा केस होता है एडजस्टमेंट का। अब ये केस क्यों बना तीसरा केस, श्याम थोड़े और चालाकी दिखाता है, श्याम थोड़ा और दिमाग लगाता है, उसका एग्जाम्पल ये रहा, श्याम बोलता है केस थर्ड है सेकेंड केस में क्या किया था, सेकेंड केस में शाम ने सिर्फ उसकी बैलेंस शीट सॉरी PNL अकाउंट हर साल का देख लिया था, 17 का 1,20,000, 80,000, 1.5 लाख और 2 लाख, ये PNL अकाउंट देखे थे उसने सिर्फ, उसको अंदर से स्टडी नहीं किया था, उसने NP को 2 NP को देखा और एवरेज निकाल लिया।
तीसरे केस में, एडजस्टमेंट के केस में क्या होता है, वो डिटेल में पीएनएल अकाउंट को पढ़ता है, दिमाग लगाता है। देखो बायर और सेलर, कोई भी बायर और सेलर हो, अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो और आप बिजनेस में जो सेलर आपको पैसे बोलता है वो आप पे कर देते हो, तो वही उसका सामान की कीमत हो जाएगी। और अगर आप बार्गेनिंग करते हो और उसको कम पे करके आते हो, मान लो 100 रुपये की डिमांड करता है और आप 100 रुपये दे देते हो, तो अमाउंट कितनी होगी? 100 रुपये। अगर आप वो 100 रुपये की डिमांड करता है और आप 90 की पे अटक जाते हो और वो 90 दे, फिर वो 90 पे देगा आपको या देगा तो नहीं देगा, 90 पे वो दे देता है, तो यानी कि अमाउंट कितनी निकल जाएगी? 90 रुपीज़। यानी डिपेंड किसके ऊपर करता है, बायर और सेलर की बातचीत क्या कहती है। तो सेकंड केस में वो एवरेज के लिए मान जाता है, थर्ड केस में वो कहता है कि भाई मैं तेरी डिटेल स्टडी करूँगा तेरे पीएनएल अकाउंट की। तो ये 4 पीएनएल अकाउंट है। तो राम कहता है कि भाई बता तू क्या कहना चाहता है, कि भाई डिटेल स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला, शाम उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, पीएनएल अकाउंट को अंदर से पढ़ते और कहता है भाई तेरे पीएनएल अकाउंट में कुछ गड़बड़ है। वही एडजस्टमेंट है, वही गड़बड़ को ठीक करना ही, जो तेरे पीएनएल अकाउंट है यानी जो तू प्रॉफिट बता रहा है यहाँ पे, ये गलत है। ये जो प्रॉफिट तू बता रहा है ना भाई, जिसका मैं एवरेज ले रहा था पिछली बार, वो मैं अब बेवकूफ़ी नहीं करूँगा इस केस में, अब मैं एडजस्टमेंट करूँगा यानी, क्योंकि तेरे जो पीएनएल जो प्रॉफिट बता रहा है वो गलत है, वो सही नहीं है, तो फिर उसकी एडजस्टमेंट करनी बनती ना, तब जाके तो एवरेज प्रॉफिट सही आएगा। तो बोलता है क्या समझा नहीं। तो शाम उसको समझाता है राम को, मैं कहता है मैं 1 साल का तेरा प्रॉफिट जो है वो बताता हूँ। कहता है ठीक है समझा। तो इसमें क्या है, ये 2017 का 31 मार्च 2017 का पीएनएल अकाउंट खोलता है और उसको दिखाता है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिख देता हूँ, काफ़ी नीचे हो गया। कहता है भाई देख तेरा जीपी था, ग्रॉस प्रॉफिट था 1.5 लाख। कहता है हाँ 1.5 लाख का तेरा ग्रॉस प्रॉफिट था। तेरी रेंटल इनकम 50,000, तेरी इंटरेस्ट इनकम 20,000, तेरी सैलरी पेमेंट 30,000, तेरा डेप्रिसिएशन 20,000 और तेरा लॉस बाय फायर 50,000। कहता है हाँ ठीक है, फिर इसमें गलत क्या है, सब कुछ सही तो है, ऐसी तो कोई चीज़ डाली नहीं जो इलीगल है, सब सही तो है। कहता है देख इलीगल तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात सुन, मैं तेरा बिजनेस खरीद रहा हूँ, मैं तेरा टेक्सटाइल का बिज़नेस खरीद रहा हूँ। किसका बिज़नेस खरीद रहा हूँ? टेक्सटाइल का, यानी कपड़ों का बिज़नेस खरीद रहा हूँ। राम का मैं टेक्सटाइल का बिज़नेस खरीद रहा है, श्याम कह रहा है मैं तेरा टेक्सटाइल का बिज़नेस खरीद रहा हूँ, यानी कि गुडविल कौन सी होगी? मैं तेरा जब टेक्सटाइल का बिज़नेस खरीद रहा हूँ तो उससे जो कमाई होती है, उससे जो कमाई होती है वही मुझे होगी। मैं तेरा टेक्सटाइल का बिज़नेस ही तो खरीद रहा हूँ, तो यानी गुडविल क्या होती है? तेरी मेहनत से जो पैसे तू कमाता था वो मैं कमाऊँगा, वही गुडविल है। तो वो जो पैसे मैं तेरे को आज दे देता हूँ वही गुडविल है। मैं तेरी मेहनत का फल अपने पास नहीं रखूँ, वो पैसे मैं तेरे को लौटा देता हूँ पहले ही, वही गुडविल है। कहता है लेकिन देख ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है चलो, लेकिन कहता है तेरी जो पीएनएल अकाउंट में जो इनकम है ना वो गलत है, जो कि मैं नहीं कमाऊंगा। कहता कौन सी? कहता रेंटल इनकम। जो ये रेंट आता है ये टेक्सटाइल बिजनेस से नहीं आता, रेंट तेरा कोई अदर इनकम है, तेरी टेक्सटाइल बिजनेस के अलावा कोई इनकम है, टेक्सटाइल बिजनेस के अलावा कोई इनकम है, भारी इनकम है, वो तूने पीएनएल अकाउंट में डाला है, ये मैं नहीं कमाऊंगा भाई, ये निकाल दे इसमें से, ये प्रॉफिट में नहीं आनी चाहिए। कहता अच्छा ठीक है, गुडविल क्या होती है? जो तेरी वजह से मैं कमाऊँ, क्या मैं तेरा बिजनेस खरीदने के बाद ये रेंटल इनकम कमाऊँगा? मैं नहीं कमाऊँगा, तो फिर ये इसमें क्यों डाल रखे तूने? इंटरेस्ट इनकम, जो तूने बैंक में FD खोल रखे हो तो तेरी FD है, वो मेरी FD थोड़ी हो जाएगी तेरा बिजनेस खरीदने से, मैं तो टेक्सटाइल का बिजनेस खरीद रहा हूँ, तेरी पर्सनल इनकम थोड़ी खरीद रहा हूँ। तो भैया जो 20,000 FD की इनकम है ये भी मैं नहीं कमाऊँगा, जो PNL में डाल रखी है ये भी इसमें से निकाल दो। कहते बात तो तेरी सही है। कहते भाई देखो मैं तेरे टेक्सटाइल का बिजनेस खरीद रहा हूँ और गुडविल क्या होती है? तेरी मेहनत का फल, जो तूने एफर्ट्स किए हैं उससे जो इनकम होने वाली है और वो मैं लेके जा रहा हूँ वही गुडविल है, और मैं तेरे को आज वो दे देता हूँ, लेकिन रेंटल इनकम तो तेरे को होती रहेगी बाद में, मेरे को तो नहीं होगी, ये तो मेरी इनकम नहीं है, इंटरेस्ट इनकम भी मैं खरीद नहीं रहा हूँ, तो ये तो तेरी है, तो ये इसमें से हटाओ। तो राम कहता है बात तो तेरी ठीक है। तो कहता है इस हिसाब से तो एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, राम कहता है यानी सेलर कहता है इस साल में मेरा कोई ऐसा नुकसान भी है, यानी डेप्रिसिएशन या लॉस बाय फायर कुछ भी ऐसा खर्चा भी है जो तेरे को नहीं होगा, जो मेरे को ही हुआ है। क्या? कहता है इस साल में मेरी गोडाउन में आग लग गई थी और लॉस बाय फायर, ये एबनॉर्मल लॉस है, क्या ये लॉस तेरे को होगा? क्या आग हर साल लगती है? मेरे आग लगी है, मेरे को नुकसान है, तेरे को नुकसान थोड़ी होगा, हर साल थोड़ी आग लगती रहेगी, तो इस नुकसान को भी हमें हटाना चाहिए, ये नुकसान को भी हटाना चाहिए, तब जाके हम सही प्रॉफिट पे पहुंच पाएंगे। यानी एडजस्टमेंट में क्या होती है, हम पीएनएल अकाउंट को वापस से सही करते हैं ताकि हम रियल नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाए और उसको ठीक कर सके। यानी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई,
तो सॉल्व ऐसे करेंगे कि भाई देखो, प्रॉफिट आपने दिया था कितना, 120,000। उसमें से आप प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस माइनस एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट है उसको प्लस करो या माइनस करो। जैसे इस केस में नेट प्रॉफिट क्या था, 120,000, और हमने इसके अंदर एक रेंट, ये इनकम है यानी ऐड हो रखी होगी 120,000 में, इसको हटाना है इसमें से, जो चीज़ ऐड हो रखी है उसको हटाना है। अभी कोई भी चीज़ हटानी हो तो क्या करते हैं, अगर वो ऐड हो रखी है तो उसको माइनस कर देंगे हटाने के लिए, 120,000 इसके अंदर ऐड हो रखा है ये भी माइनस कर देंगे, ये 20,000 इसके अंदर ऐड हो रखा है माइनस कर देंगे, और इसके अंदर ये 50,000 माइनस हो रखा है क्योंकि डेबिट साइड है, माइनस होके तो ये निकला होगा, तो इसको क्या कर देंगे ऐड, यानी प्लस वाली चीज़ को माइनस कर देंगे, माइनस वाली चीज़ को प्लस कर देंगे, तो जाके हमारे पास प्लस वाली चीज़ को माइनस कर देंगे और माइनस वाली चीज़ को प्लस कर देंगे, तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए होता है। तो ये कितना हो गया, 17,000 माइनस 50,000 कट गया, यानी मेरा आ गया 100,000 रुपये, 100,000 रुपये मेरा प्रॉफिट है जो कि मैं एवरेज निकालते वक्त यूज़ करूँगा। ये है एडजस्टमेंट वाले चीज़ें, यानी एडजस्टमेंट में अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई और आपको रटनी हो, बच्चों को ज़्यादा रटना भी पड़ता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो एक चीज़ याद करना कि जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एबनॉर्मल गेन होता है, एबनॉर्मल गेन कौन सा होता है, जो गेन कभी कभी होता है या जो गेन हमें हमेशा नहीं होता, कभी हो गया कभी नहीं होता, वो होता है एबनॉर्मल गेन, यानी कि आज हुआ है कल नहीं भी हो सकता है, तो उस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करेंगे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। वैसे तो करते हैं लेकिन एडजस्टमेंट में क्या है, उस चीज़ को हटा देंगे, एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि फ़ायदे वाली चीज़ हटानी पड़ेगी, क्रेडिट हो रखी होगी, और एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे, यानी वो लॉस माइनस हो रखा है तो उसको क्या करेंगे प्लस, जो प्लस था उसको क्या करेंगे माइनस, और जो माइनस था उसको करेंगे प्लस एडजस्टमेंट में। तो इसके लिए मैंने समझा दिया आपको, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, और क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे कल वाली क्लास में, आज हम क्वेश्चन करते हैं 7th, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट आर मेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है, दिव्या परचेज्ड ज्योतिस बिजनेस, दिव्या ने ज्योति का बिजनेस खरीदा विद अफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2019 से उसने ज्योति का बिजनेस खरीदा। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल, 3 सालों का ज्योति का बिजनेस में जो प्रॉफिट दिखाया हुआ, तो क्या दिखाया था, 2017-18, 2018-19 में ये प्रॉफिट दिखाया हुआ था, और इनमें कुछ एडजस्टमेंट बोली हुए, इंक्लूड एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। यानी कि हम आखिरी वाला पढ़ते हैं, पहले पीछे से चलना होता है हमें, लेकिन हम ऊपर से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं क्वेश्चन करने के लिए। तो फिर क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 2-year purchase, 2 साल का परचेज, 2-year purchase यानी कितने सालों तक मैं तेरी वजह से कमाऊंगा, 2 सालों तक, 2-year purchase, बायर मानता है कि मैं 2 सालों तक कमाऊंगा, कितना कमाऊंगा, वो एवरेज प्रॉफिट होगा लास्ट 3 ईयर का, 3 सालों का एवरेज है जो मैं कमाऊंगा, और कितने सालों तक कमाऊंगा, 2 सालों तक, वही गुडविल है। तो अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई इस प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ गड़बड़ है, वो आपको ठीक करनी है। तो पहले वाले पॉइंट में देखो, 1,00,000 का वो प्रॉफिट कमा रहा है, इस प्रॉफिट में क्या इंक्लूड अ एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500, और जो गेन होता है वो कहाँ पे होता है, वो गेन कहाँ पे होता है, अब P&L अकाउंट बनाओ तो क्रेडिट साइड हमारी इनकम होती है, तो गेन कहाँ पे होगा भाई, एबनॉर्मल गेन कहाँ पे हो, कोई भी गेन हो सकता है, मशीनरी बेच दी, अब मशीनरी बेचने के लिए तो खरीदते नहीं हो, तो मशीनरी जो से जो गेन हुआ वो एबनॉर्मल गेन, हर साल तो मशीनरी बेचोगे नहीं आपका, जब टेक्सटाइल का बिजनेस है, कपड़ों का व्यापार है, तो मशीनरी क्यों बेचोगे आप, तो आप मशीनरी बेच रहे हो वो एबनॉर्मल गेन है, अगर आपका मशीनरी बेचने का बिजनेस होता तो वो एबनॉर्मल गेन नहीं होता, वो तो मशीनरी आपका नॉर्मल सेल होती, लेकिन आप टेक्सटाइल कपड़ों का व्यापार करते हो और आपने मशीन बेच दी, तो फिर क्या होगा, वो आपका उससे जो प्रॉफिट होगा वो एबनॉर्मल गेन में आएगा, आपको एबनॉर्मल गेन 12,500 यहाँ पे है, जब आप प्रॉफिट निकालते हो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो ये गेन यहाँ पे ऐड हो रखा है ना, यानी इसको ऐड करते हो यहाँ से माइनस, तो प्रॉफिट आता है, यानी ये जो चीज़ है ये आपके इसको ऐड होके बन रही है, तो इस चीज़ को, ये ऐड वाली चीज़ को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो हमें 12,500 क्या करने पड़ेंगे माइनस।
अगले साल की क्या कह रहा है, 1,25,000 का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। यानी ये जो प्रॉफिट हमने निकाला है ये एक एबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद निकाला है। यानी जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो कब है, आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट था इसमें हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो हमारा लिखा हुआ कितना है, 1,25,000 का, यहाँ पे हमारा कोई भी एबनॉर्मल लॉस आ रखा होगा कोई ना कोई, कितने का था, 25,000 का। अब ये माइनस होकर ये चीज़ आई है ना, जो डेबिट साइड होती है पीएनएल अकाउंट की वो क्या होती है, माइनस होती है। अब इसको हटाना है तो क्या करें, इसको ऐसे हटा देंगे, मान लो ऐसे हटा देंगे तो ये बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, ये 1.5 लाख हो जाएगा ना। अगर आपका खर्चा कम हो जाएगा तो इनकम बढ़ जाएगी। अब इसको ऐसे ही मिटा तो सकते नहीं, क्या करेंगे इसके अंदर ऐसे ऐड कर लेंगे तो जाके वो चीज़ हट जाएगी। तो हमें जो एबनॉर्मल लॉस है उसके अंदर वो ऐड करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2018-19 में हमने 1,12,500 कमाया है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नॉट टू बी इंश्योर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात है, ऐसे नहीं हमने रट लेना कि भाई इस चीज़ को प्लस करना माइनस करना है, समझना है। तो जो 1,12,500 है इसमें एक्सक्लूड है कि हम लेना भूल गए, इस चीज़ में नहीं है, एक्सक्लूडेड है मतलब इस चीज़ में ये नहीं ली गई है, एक्सक्लूडेड। इंक्लूड मतलब इसके अंदर इंक्लूड है, ये चीज़ निकालने के लिए 1,00,000 निकालने के लिए हमने गेन डाला हुआ है, गेन तो प्लस होता है तो प्लस हो रखा है, इसमें हमने इंक्लूड कर रखा है, यानी कि एबनॉर्मल लॉस तो माइनस होता है, माइनस कर रखा है, इंक्लूड कर रखा मतलब ऐड नहीं होता, इंक्लूड का मतलब वो चीज़ को हमने कंसिडर कर रखा, उस चीज़ को हम लेके चले हुए, प्लस वाली चीज़ है तो प्लस करके चले हुए, माइनस वाली चीज़ है तो माइनस करके चले हुए, फिर इसको ठीक करना है। 1,12,500 निकालने के लिए जो प्रॉफिट है हमारा नेट प्रॉफिट, उसमें हमने 12,500 जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है फर्म्स प्रॉपर्टी, किसी भी फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म्स का दुकान का सामान को इंश्योरेंस करने के लिए 12,500 लगते हैं, वो हमने इंक्लूड नहीं कर रखा, नॉट टू बी इंश्योर्ड, जो कि इंश्योरेंस होनी चाहिए। श्याम बिजनेस खरीद रहा था, श्याम ने बोला कि भाई आपके बिजनेस में 1,12,000 का प्रॉफिट है लेकिन उसके अंदर इंश्योरेंस नहीं, जो कि कोई भी बिजनेसमैन नॉर्मली अपने बिजनेस की इंश्योरेंस कर, सामान की इंश्योरेंस कराता है, क्योंकि सामान में आग लग गई या चोरी हो गया तो हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते, ये तो बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस करानी चाहिए। तो मुझे मैं तो इंश्योरेंस कराऊंगा, मैं तो इंश्योरेंस करा के चलूंगा। तो उन्होंने बोल दिया अगर आपको समझ नाउ टू बी इंश्योर, यानी इंश्योरेंस होनी चाहिए, तो यानी अब इंश्योरेंस करोगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो खर्चा होता है, इंश्योरेंस करने से फ़ायदा क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे करते हो ना, तो खर्चा होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपका यहाँ पे आता है पीएनएल अकाउंट में, टू इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे आता है, प्रॉपर्टी का फर्म का जो खर्चा होता है पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे आएगा, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस यहाँ पे आएगा, वो आपने डाला नहीं हुआ, तो डालोगे तो पीएनएल अकाउंट कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा ना, तो पीएनएल हमें कम करना है, इसको हमने क्या करना है, माइनस। तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया, आप ये खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन को करवा दूंगा, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे करना है, प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो बच्चों को समझ में आ जाता है लेकिन प्रेजेंटेशन सही से नहीं होती तो गलत हो जाता है। तो अगली क्लास में ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैं आपके करवा दूंगा, आप खुद ट्राई कीजिए फिर सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।